नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BEd, DLed, BSc BEd, BA BEd की जो इंटर्नशिप की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। यदि दोस्तों शुरू नहीं भी होती तो आपको ये काम पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंटर्नशिप के लिए जो आपको स्कूल चूज करनी होती है वेबसाइट के माध्यम से, तो किस प्रकार से आपको चूज करनी है, इंटर्नशिप के लिए स्कूल कैसे आपको देखनी है, पूरी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, इंटर्नशिप आपको फ़िलहाल मिलने वाली है, और यदि नहीं भी मिलती तो आपको ये काम पहले भी कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाद में जो साइट है उस पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐसी प्रॉब्लम है जो बताता है। अर्थात जैसे ही आप इंटर्नशिप के लिए स्कूल खोजते हो तो वहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है, तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। लेकिन दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इंटर्नशिप के लिए स्कूल आपको कैसे देखनी है, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, और यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हो, ऐसी जो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेट्स होती है BEd, BSc BEd, BSTC, BA BEd से संबंधित, सारी की सारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहते हैं, तो चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए दोस्तों इंटर्नशिप के लिए स्कूल कैसे देखनी है मैं आपको लेकर चलता हूँ इंटर्नशिप की मेन वेबसाइट पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं इंटर्नशिप की मेन वेबसाइट पर। अब तो दोस्तों आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल देखना है तो आपको यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस वैकेंसी लिस्ट के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वैकेंसी लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में दोस्तों नीचे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है आप इंटर्नशिप की रिक्वेस्ट के लिए स्कूल के अंदर वैकेंसियाँ कितनी है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर का पॉइंट है, आप जिस भी ज़िले के अंदर, जिस स्कूल के अंदर आप अपनी इंटर्नशिप लेना चाहते हो उसी ज़िले का नाम आपको यहाँ पर भरना है। तो समझाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिए कोई सा भी ज़िला आप यहाँ पर भर सकते हो, उसके बाद में जो भी ब्लॉक आपका है वो ब्लॉक आप यहाँ पर भर सकते हो। कोर्स की बात करें तो कोर्स, जो भी कोर्स आप यहाँ पर कर रहे हो, बीएड हो, बीएससी बीएड हो, कुछ भी हो, वो कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो समझाने के लिए मैंने ये कोर्स सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट ईयर है या फिर सेकेंड ईयर है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि दोस्तों आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करते हो, उसके बाद में ये पूरी चीज़ आप यहाँ पर फिल करते हो, और उसके बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करते हो, यदि आपको एरर बता रहा है तो आपको करना क्या होगा, बस ईयर चेंज कर देना है, फर्स्ट ईयर की जगह आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर देना है। तो समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में दोस्तों जो राउंड है, राउंड के अंदर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद में स्कूल टाइप के अंदर आपको ऑल पर क्लिक कर देना है, और जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को आपको ध्यानपूर्वक भर देना है। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर फटाफट से इस कैप्चा कोड को फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो कैप्चा कोड है उसको फिल कर दिया है, उसके बाद में हम करेंगे सर्च पे क्लिक। तो दोस्तों जैसे ही सर्च पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, देखिए किस प्रकार से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर चूज करना है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप इंटर्नशिप लेना चाहते हो, उसके बाद में ब्लॉक सेलेक्ट करना है, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, और ईयर के अंदर आपको ध्यान रखने योग्य बात है, यदि आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो और यदि आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन भरते हो और सर्च पे क्लिक कर देते हो, और नो रिकॉर्ड फाउंड यदि बताता है तो आपको अपना ईयर चेंज कर देना है, फर्स्ट ईयर की जगह आपको सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर देना है, और यदि सेकेंड ईयर में ये एरर आ रही है तो आपको फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर देना है। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको स्कूल फाइंड करने की, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ प्रॉब्लम होती है और वो समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूलों के नाम आ गए हैं, और स्कूलों का जो कोड है वो भी आ गया है, कौन सी कक्षा की ये स्कूलें हैं वो भी यहाँ पर बता रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल का नाम बता रहा है ये रहा, और कौन से गाँव कौन से पंचायत के अंदर आती है वो भी यहाँ पर बता रहा है, और कौन सी कक्षा तक की स्कूल है और उसके अंदर वैकेंसियाँ कितनी हैं। तो दोस्तों जब भी आप इंटर्नशिप का फॉर्म भरें तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों इंटर्नशिप के फॉर्म भरने के दौरान आप को जो विद्यालय के कोड हैं वो सही भरने होते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए ये विद्यालय का कोड है, इन कोड को आपको ज़रूर भरना है, सही प्रकार से भरना है, ताकि आपको सही प्रकार से जो इंटर्नशिप की स्कूल है वो मिल सके, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कोड नहीं डालते हैं, तो आप ज़रूर कोड डालें ताकि आपको तुरंत जो स्कूल है वो मिल सके। और दोस्तों इंटर्नशिप के फॉर्म के अंदर आपको 10 से 15 जो स्कूल है वो भरनी होती है, तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड बहुत सारी जो स्कूलें हैं आपको दिखाई देंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं
पूरी लिस्ट स्कूलों की यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग ब्लॉक के अंदर जो भी स्कूलें होंगी वो आपको दिखाई दे जाएंगी। तो बहुत सारी जो लिस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है और जो भी कोर्स आप कर रहे हैं वो बड़ी आसानी से आप अपनी स्कूल फाइंड कर सकते हैं इंटर्नशिप की। और वैकेंसियाँ कितनी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्कूल के अंदर 6 वैकेंसियाँ हैं। तो यदि आप सबसे पहले नंबर पर इस प्रकार की स्कूल भरोगे तो आपको चांस है कि पहले नंबर की जो स्कूल है वो मिल सकती है। तो ज़्यादा वैकेंसी वाली स्कूल आप सेलेक्ट करें अपने आसपास की। दोस्तों यदि कोई और प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्कूल आपको चूज करना है। दूसरा मेथड भी हमारे पास, यदि ये मेथड आपके पास काम नहीं करता है तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा दूसरे मेथड के अनुसार। वैसे दोस्तों ये मेथड काम कर जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनके भी साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।